राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है। उसको लेकर बीते दिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की बैठक हुई थी और इस बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। अब कांग्रेस हाईकमान की तरफ से हरियाणा कांग्रेस के 28 विधायकों को दिल्ली से रायपुर भेज दिया गया है। रायपुर में कांग्रेस के सभी 28 विधायकों को रखा गया है। हरियाणा में कांग्रेस के कई विधायक पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जिसमें कुलदीप बिश्नोई का नाम भी शामिल है। कुलदीप बिश्नोई बीते दिन दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में भी नहीं पहुंचे थे। हरियाणा में नगर परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 14 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। हरियाणा में 18 नगर परिषद की सीटों पर चुनाव होना है और इन 18 सीटों पर में 14 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 14 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिनमें कालका से कृष्ण लांबा, कैथल से सुरभि गर्ग, गोहाना से रजनी वर्मानी, जींद से अनुराधा सैनी, फतेहाबाद से राजेंद्र खींची, हांसी से मीनू सेठी, चरकी दादरी से बक्सी सैनी, भिवानी से प्रीति मान, बहादुरगढ़ से सरोज बाला राठी, झज्जर से जिले सिंह सैनी, नारनौल से संगीता यादव, सोना से अंजू देवी जाटव, होटल से राखी और पलवल से डॉक्टर यशपाल को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा में पुलिस ने होटल व्यवसाय से जुड़े दिशा निर्देशों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी होटल संचालक को पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और नगर निगम से ट्रेडमार्क लाइसेंस लेने होंगे। फरीदाबाद ने इस मामले में पूरे शहर में दिशा निर्देशों को लागू कर दिया है। रेवाड़ी के खुर्शीदनगर स्थित ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट के गैस पाइप में अचानक आग लग गई। इसके चलते बैक प्रेशर से वहां काम कर रहे 5 लोग बुरी तरह झुलस गए। इसके बाद 5 लोगों को गुरुग्राम और दिल्ली के हायर सेंटर्स में रेफर कर दिया गया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए गए। करनाल की गौशालाओं में इन दिनों गाय के चारे की भारी कमी देखी जा रही है। इस साल प्रदेश में गेहूं की पैदावार कम होने के चलते चारे की समस्या खड़ी होती दिख रही है। इसे लेकर गौशाला प्रशासन ने सरकार से चारे को उपलब्ध कराने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। रतिया में मॉडल टाउन एरिया के अनाज मंडी के पास पार्क काफी बदहाल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कई बार इस बारे में शिकायत की, पर कोई कार्रवाई न होने से लोग काफी परेशान हैं। अब इस मामले को लेकर लोग प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। करनाल के गांव संदीर में जमीनी विवाद के चलते हत्या का मामला सामने आया। जमीनी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पानीपत ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में एक यार्न मिल में आग लग गई। आग लगते ही मिल में मौजूद कारीगर मिल से बाहर निकल गए और आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का हालांकि पता नहीं लग सका। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा की ओर से सिरसा के बस स्टैंड पर कर्मचारियों और आमजन से जुड़ी समस्याओं को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित इंटक के राज्य प्रधान भीम सिंह के मुताबिक हरियाणा रोडवेज में 10,000 बसों को शामिल करने, बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार देने की मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारी संघ मोर्चे के आह्वान पर यह हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।